तो भाई नेक्स्ट डे एंड जब हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव देखने और रेडी भी हो गए हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी एलिफेंटा केव के लिए जा रहे हैं। ये देखिए समुंदर का नज़ारा। बाहर नहीं देखने का आगे जाके, नहीं तो आपको फाइन लग सकता है नेवी वालों की तरफ से। नेवी का कैंप है ना, उससे उस साइड नहीं देखना बिल्कुल भी। ये वहाँ भी कोई आइलैंड है और इसके पीछे से ब्रिज वाटर जाता है और ये सामने एक लाइट हाउस। आई थिंक आ गई एलिफेंटा केव्स के लिए और यहीं से एलिफेंटा केव्स में जाया जाएगा। अभी एंट्री होके दिखाते हैं अंदर से। अभी पहुंच गए एलिफेंटा केव्स की तरफ। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ये ट्रेन है जो मैं 1/2 किलोमीटर तक लेके जाएगी बस। इससे अच्छा है जाट पैदल चले, ठीक है, बजट फ्रेंडली ट्रिप रहेगी अगर पैदल चलूंगा तो थोड़ा। यहाँ पे रास्ते में बोट भी बना रहे हैं, बोट्स भी बनाई जा रही है लोगों के द्वारा। हम आ चुके हैं आइलैंड की तरफ, एंट्री हो गई आइलैंड में। नॉर्मल लाइफ जैसी लाइफ है दोस्तों, लोग भी रहते हैं यहाँ पे। घर भी बने हुए पीछे जो दिख रहे थे उधर से। अभी हम वहां से चल के वो लास्ट पॉइंट सा दिख रहा है और यहाँ तक आए हैं। अभी इसके बाद 1 किलोमीटर और रह जाएगी एलिफेंटा केव। यहाँ पे टैक्स भी लेते हैं भाई लोग अंदर आने के लिए। और ये वही ब्रीड है जो बहुत फास्ट दौड़ती है, इंडियन देसी ब्रीड है जो बहुत ही फास्ट दौड़ती है। अभी हमने वहाँ पर टैक्स दिया था, 5 रुपये टैक्स लगता है, ग्राम पंचायत लेती है एलिफेंटा केव आने के लिए। यहाँ पे लोग भी रहते, सब कुछ एक बहुत अच्छा ही लैंड है। तो दोस्तों मेरा और आप लोगों का बस इस वीडियो में, इस पार्ट में एलिफेंटा केव के में यहीं तक का सफर था। एलिफेंटा केव के टोटल 3 पार्ट है
जो दो पार्ट है मैंने उनमें आपको बहुत डिटेल से बताया है, तो प्लीज वो देखना ना भूले। उसमें आप लोगों को एलिफेंटा केव भी दिखाई गई है, बहुत ही औसम है। और प्लीज मेरा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो प्लीज मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद करें। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले पार्ट में।